में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। समय नौकरियां दी गई थी और जो अभी दी जा रही है, तो जो नौकरियां दी गई थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय था। तेजस्वी जी तो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो मची है, जहां तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 17 महीने में जो हमारी सरकार थी तो हमने कई रोजगार दिए, कई नौकरियां दिए, तो वहीं अब तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इस पर पलटवार कर रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुखिया कौन है। ये तो सरासर क्रेडिट लेने की बात तमाम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, पहले सुन लें उनकी बातों को। प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर है, चुनाव प्रचार भी करेंगे, किस तरीके से झारखंड का चुनाव देख रहे हैं? झारखंड में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा का असर गरीबों के जीवन पर पड़ा है और लोग खुश हैं। झारखंड में भारी बहुमत से सरकार बनी। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, नौकरी जो बांटा गया है, लाखों लाख नौकरियां बांटी गई है, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि हम अजय अजय एक बताइए, तेजस्वी जी को इतना समझदारी नहीं है कि किसी राज्य का किसी सूबे का मुख्यमंत्री ही प्रधान होते हैं और उन्हीं के आदेश से निर्देश से कोई भी काम होता है, निर्णय होता है, लागू होता है। जो भी जिस समय नौकरियां दी गई थी और जो अभी दी जा रही है, तो जो नौकरियां दी गई थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय था। तेजस्वी जी तो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं और अभी मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो नौकरियों का, रोजगार का जो बढ़ चढ़ कर निर्णय लेकर जो नौजवानों की रोजगार देने के लिए जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। बिहार की जनता जय जयकार कर रही है एनडीए की। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं कि बिहार कोई भी स्टेट का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है जो मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बिहार में नौकरियां दिए हैं, तो वहीं झारखंड चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। वहां पर अब जनता के म्याज है जो बदल गया है, वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सगुफा है। और क्या कुछ कहा आपने सुना, इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।